नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कसूरी मेथी के कुछ फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, हम कई मसालों व खाद्य पदार्थों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, लेकिन उनके फ़ायदों से अनजान होते हैं। ऐसी ही एक चीज़ है कसूरी मेथी। हालांकि कसूरी मेथी स्वाद में थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन कसूरी मेथी का उपयोग करने से भोजन का जायका बढ़ जाता है। साथ ही इसके गुणों में भी कोई कमी नहीं होती है। फिर चाहे आपको वजन कम करना है या फिर डायबिटीज से छुटकारा पाना है, हर लिहाज से कसूरी मेथी लाभकारी है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि कसूरी मेथी क्या है। मेथी के पत्तों को सुखाकर कसूरी मेथी बनाई जाती है। मेथी का पौधा फैबासी परिवार से संबंध रखता है। इसकी पत्तियां और बीजों का उपयोग गर्म मसाले के रूप में किया जाता है। स्वाद के साथ साथ इसमें कई औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं। इसमें पाए जाने वाले औषधीय गुण पाचन से जुड़ी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं और मधुमेह को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा कसूरी मेथी का सेवन स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए लाभदायक है। इससे स्तनों में दूध का निर्माण अच्छी तरह से हो सकता है, साथ ही ये घाव को जल्दी भरने का भी काम करता है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कसूरी मेथी के फायदे क्या क्या हैं। पहला है वजन कम करने के लिए। अगर आप मोटापे का शिकार हैं और वजन कम करना चाहते हैं, तो सुबह खाली पेट भीगी हुई कसूरी मेथी का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद फाइबर जल्दी नहीं पचता और आपकी भूख को कम करता है। इससे आप कम खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, जिससे वजन को कम करने में मदद मिल सकती है। दूसरा है कोलेस्ट्रॉल के लिए। कोलेस्ट्रॉल की समस्या में भी मेथी का उपयोग कारगर हो सकता है। इसके अर्क में पाए जाने वाले फ्लेवोनॉइड्स में हाइपोकोलेस्ट्रॉलेमिक प्रभाव और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो ADL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में मदद करते हैं। तीसरा है मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए। मधुमेह से ग्रस्त मरीजों के लिए मेथी का सेवन वरदान के रूप में काम करता है। इसमें मौजूद हाइपोग्लाइसेमिक गुण रक्त में शुगर की मात्रा को कम करने में कारगर होता है। रात में 10 ग्राम मेथी को 40 ml पानी में डालकर रख दें और सुबह इसके पानी का सेवन करें। इससे न सिर्फ आप मधुमेह को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि इससे होने वाले खतरों को भी दूर करने में मदद मिल सकती है। चौथा है स्तनपान में फायदेमंद। प्रसव के बाद जिन माताओं के स्तन में दूध की कमी पाई जाती है, उनके लिए कसूरी मेथी की चाय फायदेमंद उपचार हो सकती है। कसूरी मेथी में ग्लैकगॉक नामक घटक पाया जाता है, जो मां के स्तनों में दूध बढ़ाने में मदद कर सकता है। पांचवा है सेहतमंद हृदय के लिए। मेथी की चाय में कई औषधीय गुण होते हैं, जो शरीर में जमा हानिकारक एसिड को बाहर निकालकर सीने की जलन को दूर करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, जो उच्च रक्त को नियंत्रित कर हृदय को स्वस्थ रखती है। इसका सेवन रक्त में मौजूद हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे हृदय संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। छठा है आंतों की समस्याओं को दूर करने के लिए। अगर आपको दस्त, खराब पाचन या फिर कब्ज जैसी आंतों से जुड़ी कोई समस्या है, तो मेथी का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद फाइबर ना सिर्फ आपके पाचन तंत्र को ठीक करता है, बल्कि पेट को साफ कर कब्ज से भी राहत दिलाता है। इसके अलावा संतुलित मात्रा में फाइबर के सेवन से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रक्रिया बेहतर होती है, जिससे भोजन को पचाना आसान होता है। सातवां है एनीमिया की रोकथाम के लिए। एनीमिया की रोकथाम के लिए ही मेथी फायदेमंद साबित हो सकती है। कसूरी मेथी में आयरन की मात्रा पाई जाती है। आयरन एनीमिया के प्रभाव को दूर करने में कारगर होता है। आयरन शरीर में रक्त के जरिए ऑक्सीजन को सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। शरीर में आयरन की पूर्णता एनीमिया को रोक सकती है। आठवां है त्वचा के लिए। मेथी के औषधीय गुणों के कारण इसका उपयोग प्राचीन काल से ही आयुर्वेद में त्वचा के फायदों के लिए किया जाता है। मेथी बीज के पेस्ट के उपयोग से आप त्वचा से संबंधित कई समस्याओं से निजात पा सकते हैं, जैसे त्वचा पर निशान, सूजन, फोड़े फुंसी, जलन व मुहासे आदि। इसे लगाने से न सिर्फ त्वचा का रंग निखरता है, बल्कि चेहरे के दाग धब्बों से भी राहत मिलती है। नौवां है बालों के लिए कसूरी मेथी के फायदे। कसूरी मेथी का उपयोग बालों की कई समस्याओं को दूर करने के लिए भी किया जाता है। इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन, लेक्टिन और निकोटीन जैसे पोषक तत्व बालों के विकास के साथ ही बालों को मजबूत करने में भी कारगर साबित हो सकते हैं। इसके अलावा ये बालों की जड़ों को मजबूती प्रदान करने और बालों को घना करने में भी फायदेमंद है। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कसूरी मेथी का उपयोग कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं। पहला है कसूरी मेथी की चाय बनाकर इसको पी सकते हैं। दूसरा है कसूरी मेथी के पत्तों के अर्क को तेल में मिलाकर इसका उपयोग सिर की मालिश करने के लिए कर सकते हैं। तीसरा है कसूरी मेथी के पत्तों को गर्म करके कपड़े में लपेटकर इसका उपयोग दर्द और सूजन वाले स्थान पर सिकाई के लिए किया जा सकता है। चौथा है दाल या सब्जी में कसूरी मेथी का तड़का लगाकर खाने का जायका बढ़ाया जा सकता है। पांचवा है कसूरी मेथी के पाउडर का उपयोग अचार और पराठे में भी किया जाता है। छठा है कसूरी मेथी के अर्क को शैम्पू में मिलाकर बाल धोने से बाल मुलायम और चमकदार बनते हैं। दोस्तों, सामान्य से दिखने वाली कसूरी मेथी के गुण सामान्य नहीं है, लेकिन ये कई लिहाज से हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। फिर चाहे बात सेहत की हो, या त्वचा की या फिर बालों की, कसूरी मेथी हर क्षेत्र में फायदेमंद है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। ऐसे ही और हेल्थ के वीडियोस देखते रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।